अगर सेल्फ हेल्प बुक से बेटर कोई और बुक्स है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, वो है बायोग्राफीज। इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। सेल्फ हेल्प बुक्स हमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाती है लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। ये टूल्स एंड टेक्निक्स सुनने में तो बहुत अच्छी होती है, पर इन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत ट्रिकी होता है। वहीं इसी गैप को बायोग्राफीज कवर करती है। बायोग्राफीज आपको उन लोगों की स्टोरीज बताती है जिन्होंने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया इन सेल्फ हेल्प टेक्निक्स को अपनी लाइफ में यूज करके। इन लोगों की स्टोरीज से आप एग्जैक्टली सीख सकते हो कि रियल लाइफ में आप कैसे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन या ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो। सो, मैं अब आपको पांच ऐसे लोगों की बायोग्राफीज बताऊंगा जिन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। बुक नंबर वन है पीटर डायमंडिस की बायोग्राफी हाउ टू मेक अ स्पेसशिप। ये बुक मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहेगी। दिस वॉज द फर्स्ट बायोग्राफी विच आई रेड अनइंटेंशनली। इस बुक में स्टोरी है पीटर डायमंडिस की, जिनका ड्रीम था एस्ट्रोनॉट बनना, पर वो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके मेडिकल पढ़ रहे थे। इतने फैमिली प्रेशर के बाद भी उन्होंने अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं किया। उन्होंने मेडिकल के साथ साथ स्पेस की भी पढ़ाई करी एंड ही ग्रेजुएटेड विद ड्यूअल डिग्रीज। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ही रियलाइज्ड कि वो कभी एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ हिज आई साइट। अब वहीं पर अगर मैं और आप होते तो गिव अप कर देते कि मेडिकल की डिग्री है तो सही, डॉक्टर बन जाएंगे। बट नहीं, उन्होंने अपने स्पेस के पैशन को नहीं छोड़ा एंड ही स्टार्टेड एक्स प्राइज फाउंडेशन। ही स्टिम्युलेटेड द होल प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। आज ब्लू ओरिजन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी स्पेस कंपनीज पीटर डायमंडिस की वजह से हैं। हिज एक्स प्राइज स्टार्टेड विद द चैलेंज ऑफ मेकिंग अ स्पेसशिप जो प्राइवेटली बिल्ट होगी एंड वो स्पेस में जाकर वापस आएगी एंड हूएवर द विनर इज विल गेट $10 मिलियन, जिसकी वजह से दुनिया में अलग अलग जगह से काफी लोगों ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। नाउ हिज एक्स प्राइज वेबसाइट इज सॉल्विंग अदर वर्ल्ड रिलेटेड इशूज, जैसे कि उन्होंने अभी दिल्ली में वुमेन सेफ्टी के लिए एक चैलेंज रन किया था। सो डेफिनेटली गो एंड चेक देयर वेबसाइट आउट। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करी, जहां पे हर साल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपने स्पेस में करियर बनाने आते हैं। ही मेड मी रियलाइज कि हाउ योर स्मॉल ड्रीम्स कैन बी सो मच बिगर देन यू। बुक नंबर टू है द फियर बबल बाय एंट मिडिल्टन। ये कहानी है एक एक्स ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की, जिन्हें अपने यूथ में ड्रग्स और एल्कोहल की प्रॉब्लम थी, बट आर्मी ने उनकी लाइफ को डायरेक्शन दी एंड आर्मी से रिटायर होने के बाद भी वो लाइफ में अपने आप को पुश करना चाहते थे। ये करने के लिए उन्होंने अपने आप को माउंट एवरेस्ट चढ़ने का चैलेंज दिया। अब माउंट एवरेस्ट तो बहुत सारे लोग चढ़े हैं, फिर इस बुक की खास बात क्या है? इस बुक में वो अपने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के फियर के बारे में बात करते हैं और वो आपको ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप भी अपने फियर को ब्रेक डाउन कर सकते हो मैनेजेबल पार्ट्स में। एंड मैंने इनके बताए हुए टिप्स अभी से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए हैं। थर्ड बुक है एजुकेटेड बाय तारा वेस्टओवर। इस बुक में तारा अपनी लाइफ की कहानी बताती हैं। उनकी फैमिली बहुत रिलीजियस थी और उनके डैड पूरी फैमिली को डोमिनेट करते थे और गवर्नमेंट के लिबरल थॉट्स को अपोज करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा क्योंकि उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के ब्रेन वॉश करती है। हर फैमिली वॉज लिविंग इन अ वेरी पुअर कंडीशन। लड़की के बड़े भाई को पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो हर रात को चुपके से बुक्स रीड करता था और वेस्टर्न म्यूजिक सुनता था। उसने तारा को भी अपने साथ रीडिंग की हैबिट डलवाई। फिर एक दिन वो अपने डैड से लड़कर घर छोड़कर चला गया। लड़की को भाई के जाने के बाद पढ़ाई करने का और मन किया, बट उसके डैड ने उसे अलाउ नहीं किया और उन्होंने उसे भी अपने साथ लेबर वर्क में लगाना शुरू कर दिया। उसने भी अपने भाई की तरह रात को चुपके से पढ़ना शुरू किया एंड धीरे धीरे उसकी लाइफ चेंज हो गई। इस बुक से मैंने यह सीखा कि कैसे लाइफ में पढ़ाई के लिए थोड़ी सी एनकरेजमेंट किसी भी इंसान की लाइफ चेंज कर देती है। फोर्थ बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, स्टोरी ऑफ बराक ओबामा। ये स्टोरी है अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बराक ओबामा की। इस बुक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। इस बुक ने मुझे ये रियलाइज कराया कि कैसे आपका मिशन आपको एक कंफर्टेबल जॉब छोड़कर लोगों की हेल्प करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। दिस बुक वॉज वन ऑफ द रीजन दैट आई स्टार्टेड यूट्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस मैन बाय माइक मसिमिनो। एस्ट्रोनॉट की बायोग्राफीज आर सम ऑफ माई फेवरेट्स। एस्ट्रोनॉट की स्टोरी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ लर्न करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच। From learning a new language to learning engineering to learning biology, they are the true examples of what the human mind is capable of learning. Mike की story से मैं बहुत relate कर पाया। उन्होंने भी एक अच्छी university से एक अच्छी degree ली और उसके बाद जाकर एक अच्छी company में job करी,
but he felt something was missing. He was 25 years old by then, and he decided that he wanted to become an astronaut, but उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एस्ट्रोनॉट कैसे बनना है. इस बुक से मैंने ये सीखा कि कैसे आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हो, बस उसके लिए आपको ओपन माइंड रखना है और हार्डवर्क करना है. सो दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट बायोग्राफीज दैट हैव शेप्ड माई लाइफ इन वन वे और द अदर. आई होप यू गाइज विल एंजॉय रीडिंग देम एज मच एज आई डिड. सो आप सबने नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल का नेम चेंज हो गया है. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि रीडिंग विल ऑलवेज बी एट द कोर ऑफ दिस चैनल, बट उसके साथ साथ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, habits, life experiences, and also stretch myself as a video creator. So ये simple name change मुझे flexibility देगा आप लोगों की मदद करने के लिए, not just through reading videos, but through other helpful videos as well. So I hope you guys will stick with me, and I promise you that you will enjoy this ride. So I will see you in my next video. Till then, happy reading.